सबसे पहला, अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो सबसे पहले क्राइम खत्म होगा। क्राइम होता है अभाव से, और दूसरा बूढ़े माँ बाप को भी अपने घर में रहकर पकाई रोटी और सेवा शुश्रूषा मिलेगा। तीसरा, जो लोग रोजगार में रहेंगे थके आएंगे तो वो सोएंगे चैन की नींद और अपने बच्चे के प्रति भविष्य का निर्धारण कर पाएंगे, निरूपण कर पाएंगे। तो पहले रोजगार, दूसरा आएगा आपको हर घर में राशन पेंशन, सरकार का जितना चापलूस है उसी पेट में जाता है, कागज पर अरबों अरबों रुपए का राशन पेंशन एक वार्ड में आता है, वो कहाँ जाता है? ना एक डीलर डरता है मुख्यमंत्री से भी नहीं, कहा कि सब घुसखोर है, किसी से नहीं डरता है। और जितने गरीब लोग हैं जिनको साय नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बूढ़ी है, उस एज में भी सत्तू बेचकर झुक गई है, काम करती है, उसको पेंशन नहीं है, उसको राशन नहीं है, मुखिया कहते हैं कि 1000 रुपया लाओ तब बनाएंगे, 1000 रुपया भी ले लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि महिलाओं के प्रति जो अभी आए दिन ये हैवानियत की जो महिला शिकार हो रही है उस पर आपका क्या विचारधारा है? हम सूट काउंटर करवा देंगे, हम सरकार में आएंगे। पीपल्स पार्टी में आकर के सरकार बनाती है तो इस पर आपकी क्या विचारधारा रहेगी आपकी पार्टी की? सबसे पहले लड़की को इतना सशक्त बनाया जाएगा कि उसको एक दो लड़का कुछ छेड़ ही नहीं सकता, वो जूडो कराटे से लेके उस लड़का ही मार खाए। दूसरी बात, अगर कहीं फिर भी दलगत बंदी से कुछ लोग जो होते हैं करवाते भी हैं, राजनीतिक का भी हाथ रहता है उसमें, तो उसको सूट काउंटर करवाया जाएगा सीधा। क्योंकि कोई भी लड़की हो, कोई भी बदमाश हो, क्या उसकी माँ बहन नहीं होती है? क्या वह धरती से निकलता है? वह भी माँ से पैदा होता है, उसको भी ये शिक्षा दिया जाएगा कि कोई लड़का करे, रोजगार होने पर ये नहीं होगा। और आप ये बताएं कि सुल्तानगंज विधानसभा में अक्सर या तो किसान बर्बाद हो जाते हैं बाढ़ की चपेट में आने से, या सूखा ग्रसित होकर के किसान बर्बाद हो जाते हैं, तो किसान के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? किसान के प्रति पहले हर गांव हम घूम रहे हैं अभी और एक कागज में नोट कर रहे हैं कि किस एरिया में जल जमाव है, किस एरिया में सूखा का है, कोई व्यवस्था नहीं है सिंचाई का, हर गांव में बोरिंग निशुल्क देंगे और अनाज खाद बीज उर्वरक और नाश जो होता है कीटनाशक दवाई सब मुफ्त दिया जाएगा, उनको भीख नहीं दिया जाएगा अनुदान कि कल हम जाए तो कहेगी मैडम अच्छा 10 बोरिया बांटना है आपको, बांट दीजिए इसको, उसके लिए उचित प्रक्रिया होगा। बाढ़ होने के बाद अब बिहार तथा केंद्र सरकार से ऐसी प्रावधान होती है कि सब्सिडी पर मिला दिया जाता है बीज और खाद, और आप यदि आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो उस पर आपकी क्या राय है? निःशुल्क मिलेगा ऐलान करते हैं और हमारी पार्टी आएगी आएगी। सुन ले, 15 साल लालटेन भी चल गया, 15 साल तीर भी चल गया, आदमी की स्थिति पहले से भी बदतर है, कुछ सामर्थ्यवान लोग ही अधिक सामर्थ्यवान हो पाए हैं, गरीब और गरीब हो गया है। और सुल्तानगंज विधानसभा बात यानी कि खास करके मैं सुल्तानगंज की बात करूं तो यहां जो आए दिन जो ये जाम की समस्या रहती है उस पर आपकी क्या कहें? जाम तो एक मिनट में छूटेगा, इसका भी उपाय मेरे पास है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, नहीं तो वो कॉपी करेंगे सब लोग। जाम पहले नहीं चलते थे हम लोग, जाम क्यों हो रहा है? प्रशासन का ढील सिलाई है। एक सबसे पहले मैं अगर विधायक बनी तो सबसे पहले यहाँ का महिला हॉस्पिटल जो बंद है, जो साउथ बिहार का प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।